उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई। 27 अक्टूबर को जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो महाराजा ने कहा मैं कुछ मामलात में मैं सेंटर की इंटरफेरेंस नहीं मानूंगा। ये 3-4 मामलात हैं, अगर आप में से किसी को आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो मिल जाएगा आपको, उसमें शिक है 7। उसमें महाराजा ने खुद कहा कि मैं इन मामलात में आपकी इंटरफेरेंस नहीं मानूंगा, इन मामलात में मैं खुद मुख्तार रहूंगा, मैं ऑटोनोमस रहूंगा। हालांकि 27 अक्टूबर 1947 से पहले महाराजा ने यह साफ किया था कि मैं अलग रहूंगा, मैं दोनों ममालिक के साथ, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखूंगा लेकिन मैं अलग रहूंगा। लेकिन 27 अक्टूबर को क्योंकि पाकिस्तान से कबाइलियों ने अटैक किया उस वजह से उनको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद ये नहीं कि भाई उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बहस में भी है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर ने इस पर एतराज किया लेकिन इस पर बहस मुबासा हुआ, आर्टिकल 370 अमल में आया। आर्टिकल 370 को टेम्परेरी इसलिए रखा गया था कि जम्मू कश्मीर के आईन की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो इसको पास करेगी, वो इसको अडॉप्ट करेगी तो वो परमानेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1951 में बनती है, 1956 में आईन बनता है जम्मू कश्मीर का जिसको जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिलेक्टेड बॉडी ने नहीं बनाया, बल्कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो इलेक्ट होकर एक ग्रुप बना, इलेक्शन हुआ उन्होंने, और उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जिक्र जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट हुई उसमें जिक्र आता है। दो मुल्कों, दो सॉवरेन कंट्री के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में उनको कहा जाता है आप इंटेग्रल पार्ट हो। भाई पेश ये किया गया 5 दिसंबर 2019 को, और उसके बाद तमाम मीडिया में ये पेश किया गया जैसा कि आज हमने जम्मू कश्मीर को फतह किया है। भाई जम्मू कश्मीर का जो आयन 1956 में बना, 1956 में, उसमें सेक्शन 5 कहती है जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कोई गंजाश नहीं छोड़ी थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इंटेग्रल पार्ट नहीं हैं, और उस शिक को सेक्शन 147 कहती है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं कोई ला सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाद में बने भी तब भी सेक्शन 5 को चेंज कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक झूठ का एक पलंदा खोल दिया गया कि जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर को आज फतह किया है, मैं इस स्टेज के माध्यम से और यहाँ के मीडिया वालों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का हर आदमी आज के दिन जख्मी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। ये जो 35A का कहते हैं ना, 35A, अरे भाई 35A 1927 में महाराजा ने हमें दिया था। 35A शिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ये 47 में नहीं पैदा हुआ, ये आइन के अंदर अचानक नहीं आया, बल्कि 1927 में वहां के महाराजा को जब ये लगा कि भाई मेरे यहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी पंजाब के लोगों ने ले ली, उस वक्त जो सियालकोट एरिया था बड़े अमीर लोग थे, यहाँ की ज़मीनें भी सब खरीद ली, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है वही नौकरी करेगा। ये आज़ादी से बहुत पहले की बात है, 1947 में तो हम आज़ाद हुए, 1927 में ये आर्डर हुआ है।
उस आर्डर की लाइट में 35 ए जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और उस पर भी बहुत बड़ी डेलिब्रेशन हुई। लेकिन आम लोगों को यह कहा गया कि इससे पता नहीं जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है। अगर आप 371 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें सेम वही प्रोविजन है जहां आप और मैं जाकर ना जमीन खरीद सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में जाएंगे, आपको परमिट चाहिए जाने के लिए, वहां इंटर करने के लिए आपको परमिट चाहिए, वहां किसी को एतराज नहीं है, वो फुली इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको तकलीफ हो गई कि नहीं भाई, वहां अभी तक जम्मू कश्मीर फुली इंटीग्रेट नहीं हुआ है, जो सरासर झूठ था। अरे फिर क्या, मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मैं जज रहा हूं, मैं आज वकील हूं, मुझे बड़ी कभी कभी मतलब कोफत होती थी ये सुनते हुए जब मीडिया पर ये डिबेट्स में आते थे लोग, और बड़े पढ़े लिखे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े आला तरीन वकील रहे, आज मंत्री हैं, वो कहते थे जब कि जम्मू कश्मीर में जनाब वहाँ एंटी करप्शन लॉ नहीं था। अरे हमारा एंटी करप्शन लॉ इतना स्ट्रॉन्ग था जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन लॉ में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविजन था जो आपके रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है। और कभी कभी हम ये भी सुनते थे कि वहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं है, आपका जो यहाँ का आज की डेट में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये तो टूथलेस टाइगर है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था और हमारा कमिश्नर ये एमएलसी साहब बैठे हैं, हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन का कमिश्नर होता था वो उसका स्टेटस हाईकोर्ट जज के बराबर, आपके यहाँ का जो कमिश्नर है उसका स्टेटस चीफ सेक्रेटरी के बराबर है स्टेटस में। हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट था वो स्ट्रिंजेंट है बनिस्बत आपके। फिर कभी कभी ये नजीमा राइट टू एजुकेशन नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बार कह दिया कि जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन है ही नहीं। अरे भाई हमें आपने डाउनग्रेड किया है, अब जो राइट टू अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक राइट टू एजुकेशन है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर आईन के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल तक राइट टू फ्री एजुकेशन था जो आपने छीन लिया है। और फिर आप हमको ये कहते हो कि आप खुश हो, हम किस बात पर खुश होंगे, आपने हमारी रियासत को डाउनग्रेड किया गैर कानूनी तरीके पर, उस पर कोई भी खुश नहीं है, ना कोई जम्मू का खुश है, ना कोई पुंछ का खुश है, ना कोई श्रीनगर से खुश है। आपका ये जो एक तरीका, मुझे अगर आज पूछेगा कोई कि भाई जम्मू कश्मीर का सलूशन क्या है, तो मैं एक ही सलूशन आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान पूरे का इलेक्शन मैनिफेस्टो मत बनाओ। पूरे हिंदुस्तान का मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी चीज जो आपकी है, सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल है कि पूरे हिंदुस्तान में वोट बटोरने के लिए आपने जम्मू कश्मीर को रेड हेरिंग इस्तेमाल किया है। आप उसको बंद कर दो, आज ही जम्मू कश्मीर का सलूशन निकल आएगा। और आज मैं, मुझे पर्ची आगे के कंक्लूड करो, मैं इस आपके स्टेज के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को कहता हूँ, मुझे बैठे बैठे यहाँ हमारी मैडम जी को कह रही थी कि आज जम्मू कश्मीर में ये हालत हुई, वहाँ की औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ के बच्चों को आज टॉर्चर किया जा रहा है, जुवेनाइल बच्चे 13 साल के बच्चे को उठा के आपने टॉर्चर किया थानों में, आपने टॉर्चर सेल में लेके उनको 13 साल के बच्चे को, आप उसको कल कैसे अपना कहोगे कि आप हमारे हो, आप अटूट अंग हो। भाई अटूट अंग हो, जब अंग में तकलीफ हो तो उसको काट के आप फेंक दो, अटूट अंग हो तो उसका इलाज होता है, आपके अंग में कोई तकलीफ हो जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उसको काट कर फेंका नहीं जाता है, आपने तो अंग को काट कर फेंक दिया। मैडम जी यहाँ ये कह रही थी तो मुझे एक वो जॉन डन की एक बड़ी खूबसूरत सी पाइम मुझे इस मौजू लगी इस पर, नो मैन इज एन आईलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, ईच इज अ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, ईच इज अ पीस ऑफ द कंटिनेंट इज अ पार्ट ऑफ द सैम। और उसका जो लास्ट स्टेंजा है, Send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Thank you very much.
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।